स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आपका एग्जाम है प्राइवेट कैंडिडेट्स का, उसका भी डेट वही है, बट फॉर्म अब आपकी 12 सितंबर को ओपन हो जाएगी विंडो। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जाने के लिए, क्योंकि अब आप स्कूल से नहीं कर रहे हो तो स्कूल इज़ नॉट लियबल फॉर योर एडमिट कार्ड। कई बार होते हैं बच्चों के एडमिट कार्ड्स जनरेट नहीं हो पाते, तो क्या वो मिस्टेक्स हैं जो जनरली बच्चे करते हैं जो आपको नहीं करना है, वो आज हम जानेंगे। सो एडमिट कार्ड जो मेन एग्ज़ाम का है, आपके पास अभी जो एग्ज़ाम आपने दिया था ना, उसका एडमिट कार्ड आपको रखना है। वहाँ से आपको सेंटर नंबर, स्कूल कोड, फॉर्म फिलअप में आपको उसकी नीड होगी। कई बच्चे पिक्चर अपलोडिंग में, सिग्नेचर अपलोडिंग में प्रॉब्लम करते हैं। एक तो पिक्चर का एक फॉर्मेट होता है कि हेड के ऊपर दिखना चाहिए, सामने आप देखोगे, देन अगर चश्मे नहीं लगे हैं तो नहीं लगाओगे, ठीक है। देन 80% ऑफ द जो पिक्चर होता है उसमें आपका फेस होना चाहिए, और साइज ऑफ द पिक्चर, पिक्चर की क्लैरिटी तो बहुत हो लेकिन साइज ऑफ पिक्चर और सिग्नेचर का साइज 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतने के बाद आते हैं एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डेंस, जो आपका मेलिंग एड्रेस है ना, कई बार बच्चों को ठीक से पता नहीं होता है, वो फिल कर देते हैं, आपने पिन कोड गलत डाल दिया या कुछ भी ऐसा गलत डाल देते हैं जिससे आपका क्योंकि अब आपका एडमिट कार्ड जो है, आपको मेलिंग एड्रेस जो है आपको सही देना पड़ेगा, तो वो आप अपने पेरेंट्स से वेरीफाई करवा लो। सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन, क्योंकि अब की बार जो सेंटर होगा वो 2024 के बोर्ड एग्जाम के हिसाब से होगा, तो अब आपको सेंटर की टेंशन नहीं है कि शहर से बहुत दूर तो नहीं होगा, क्योंकि देयर विल बी सो मेनी सेंटर्स। सो सेंटर आप प्रिसाइजली जहाँ डालना है वहीं डालिए, और फोन्स को अवॉइड करके आप लैपटॉप वगैरह या पीसी से करते हैं फॉर्म फिलिंग, तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। इन सब बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और इसके बाद जो अपनी कैटेगरी है, यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ योर कैटेगरी, कंपार्टमेंट में डालना है, इम्प्रूवमेंट वाले हो इस कैटेगरी, फेल वाली कैटेगरी है या फिर एडिशनल सब्जेक्ट की कैटेगरी है, फिर वो डेली के जो स्टूडेंट्स होते हैं फीमेल कैंडिडेट्स एंड PWD उनके लिए है। यहाँ पर अपनी पिक्चर आप 40 KB वाली अपलोड करोगे, उसे थोड़ी छोटी हो तो चलेगी, बड़ी नहीं होनी चाहिए। फीस पेमेंट के लिए ये टैब है, फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, फीस स्टेटस एंड कंफर्मेशन पेज, कल ये आपका अपडेट होकर 2024 हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। सो नाउ फ्यू थिंग्स जो आपको इंस्ट्रक्शंस पता होनी चाहिए, CBSE ने तो बहुत लंबा चौड़ा सर्कुलर निकाल दिया है, आपको की कैटेगरी पता होनी चाहिए। पहली कैटेगरी है फेल, रिपीट वाले बच्चे, कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, तो ये वो बच्चे होंगे जिन्होंने 2023 में बोर्ड, हु टुक द बोर्ड इन 23, एंड द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस देयर नेम, फादर्स नेम और गार्जियंस नेम, मदर्स नेम एटसेट्रा। लेकिन जो कैंडिडेट्स 2022 वाले हैं, विल नीड टू फिल इन द डिटेल्स ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, ठीक है। प्रोवाइड ओनली रेलेवेंट डिटेल्स सच एज रोल नंबर, स्कूल नंबर एंड सेंटर नंबर, और किसी गलत वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप मत करना, CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही करना। कई बार स्कैम्स हो जाते हैं, गलत साइट पे आप जाओगे, पैसे मांग देते हैं, कई बच्चे दे भी देते हैं, तो उस स्कैम में नहीं फंसना, CBSE की ऑथेंटिक साइट से। कैटेगरी टू है फीमेल एंड फिजिकली हैंडीकैप, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं। सेलेक्ट सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो ऑप्शंस आते हैं आप उसी पे ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फॉर सब्जेक्ट्स हैविंग इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थ्योरी विल बी कैलकुलेटेड आउट ऑफ 100, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी है एडिशनल सब्जेक्ट का जिनको देना है। सो एनी वन सब्जेक्ट विच वॉज नॉट टेकन अर्ली, यानी कि ये वो सब्जेक्ट है जो आप जिसका आपने एग्जाम पहले नहीं दिया था, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थ्योरी विल बी कैलकुलेटेड आउट ऑफ 100। तो ये कैटेगरीज हो गए। फॉर्म फिलअप के लिए आप CBSE के वेबसाइट यानी कि cbse.nic.in पे जाओगे, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी CBSE क्लास 10 12 प्राइवेट एग्जाम 24 नोटिफिकेशन को रीड कर लेना, फिर CBSE के साइट पे cbse.nic.in प्राइवेट फॉर्म की वेबसाइट मिलेगी, वहाँ से ये आपको 23 वाली मिलेगी। केयरफुली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ताकि मिस्टेक होंगी तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अपलोडिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है लाइक जो नीडेड होती है फिजिकली हैंडीकैप्ड या ऐसी कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो वो भी अपलोड करनी पड़ती है। फीस पेमेंट, सक्सेसफुल सबमिशन, ये सारी चीज़ जरूरी है। उसके बाद डाउनलोड योर फॉर्म, नोट ऑल द इन्फॉर्मेशन जो कि आपको लेटर काम आएंगे। मान लो किसी का एडमिट कार्ड नहीं आया, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो होंगी तभी आप उसको प्रोक्योर करा सकते हैं, ठीक है। सो आपको एग्ज़ाम से पहले काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है कि पेपर कैसे दोगे, क्या लिखते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली प्राइवेट कैंडिडेट्स, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्ज़ाम दो बार दे चुके हैं, बोर्ड दे चुके हो कम से कम,
और एक बार आप इस बार कंपार्टमेंट भी दे चुके हो खास तौर पे, तो इसीलिए आपके लिए बहुत अच्छे से जो टाइम मिला हुआ है 6 महीने का उसको आप यूज़ करें। 6 महीने भी अब नहीं है, लगभग रख लो 5 महीने है। सो फॉर क्लास 12th केमिस्ट्री स्पेशली जितने भी पैटर्न चेंज है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे वीडियोस हैं केमिस्ट्री की क्लास 12th की, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ऑल द चैप्टर्स विद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, इसको आप देख लीजिए, यू विल गेट हेल्प फ्रॉम दैट। एंड क्लास 10th साइंस क्लास 12th केमिस्ट्री की स्पेशल बैचेस बनी है और बैचेस बनने वाले हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन आप जल्द से जल्द बता दीजिए, एक मिड ऑफ सेप्टेम्बर से स्टार्ट होगा और एक बैच आपका 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप जिस बैच को भी ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से जल्द ज्वाइन कीजिए, डू नॉट वेस्ट टाइम, बिकॉज कॉन्टेंट जो है वो काफ़ी सारे हैं। अगर आपको सही में अच्छे से पढ़ना है तो फिर आप ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको लास्ट में पढ़ना है तो फिर उसी हिसाब से, क्योंकि दैट विल बी फास्ट फॉरवर्ड मोड। बदल आपका पैटर्न बदल गया है सीबीएसई ने, अब अगर आप सीबीएसई का वेबसाइट जा करके चेक करो तो क्वेश्चन का पैटर्न फिर से चेंज हुआ है। सीबीएसई ने एडिशनल क्वेश्चंस के सेट सैम्पल पेपर्स फिर से अपलोड किए हैं, क्वेश्चन का लेवल और डिफिकल्ट हो गया है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की नीड है, अगर आप रट के चाहते हैं 50 क्वेश्चन चले जाएँ और उसमें से 40 आ जाए 38 आ जाए तो ऐसा नहीं होगा, यू हैव टू स्टडी वेल। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी की पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। 10 बुक मत पढ़िए, एक बुक पढ़िए, एक हेल्पिंग बुक पढ़िए, हैव वन नोट्स, बहुत सारे नहीं चाहिए हमको। तो नोट्स तो जो हमारी क्लासेस होंगी वो वाया जूम होंगी, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस ईमेल आप ईमेल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको फर्दर अपडेट बता दी जाए। 3 क्लासेस अ वीक होंगी एंड द फीस हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 50%, इट इज़ नाउ ₹1,000 पर मंथ। सो आपको और कहीं पे ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको इतनी अच्छी क्लैरिटी के साथ चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। सो आई होप अब जल्द से जल्द ज्वाइन करें और फिर इसका फ़ायदा उठाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।